तो उधर दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने उदयपुर में जो विभत्स ये घटना घटी है उसके संदर्भ में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे में उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या का मुख्य आरोपी रियाज अख्तारी के साथ भाजपा के दो नेता इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर के संबंधों की तस्वीरें जग जाहिर है। इस खुलासे में ये बात भी सामने आई है कि मुख्य आरोपी रियाज अख्तारी राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के कार्यक्रम में भी अक्सर भाग लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुख्य आरोपी रियाज अख्तारी की भाजपा की राजस्थान अल्पसंख्यक इकाई की बैठकों में भी शामिल होने की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रियाज अख्तारी, गुलाबचंद कटारिया पूर्व राज्य गृह मंत्री के कार्यक्रमों में लगातार शामिल होता है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अपनी फेसबुक पोस्ट में रियाज भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रियाज भाई कहकर संबोधित करते हैं। ये चल क्या रहा है इस देश में? तो